आज सरकारी आंकड़ों में जो उपलब्ध है कि हिंदू और ईसाइयों की 32,000 लड़कियां केरल से गायब और लवजात के शिकार बनाए जाते हैं। और इसमें बॉलीवुड विशेष रूप से माध्यम बनती थी, जिसमें एक जो है लड़का होता है और वो मुसलमान होता है, एक लड़की हिंदू होती है। सनातन धर्म के अनुयायी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो। कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और वर्तमान के उसको कहें कि समकालीन परिस्थितियों का एक आकलन होता है। तो ऐसी फिल्में जो सत्य पर आधारित हैं उसके निर्माण शुरू हुए हैं। पीछे के दिनों जब कश्मीर फाइल आई तो कहाँ देश भर में 600 स्क्रीन भी मिलना मुश्किल था, बाद में 6,000 से ज़्यादा स्क्रीन उपलब्ध हुए और उसको लेकर के एक नैरेटिव, एक चर्चा समाज में। आज सरकारी आंकड़ों में जो उपलब्ध है कि हिंदू और ईसाइयों की 32,000 लड़कियां केरल से गायब, और इसमें से अधिकतर को ब्रेन वॉश करके इनको ISIS में शामिल करा दिया गया। प्रश्न यह नहीं है कि हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसका प्रश्न नहीं है। राष्ट्र की एकता और अखंडता से ये जुड़ा हुआ मसला है और इस पर कोई फिल्म आई है तो इस फिल्म को देखना चाहिए। जिन्हें सत्य से आपत्ति हो उन्हें चुनौती देनी चाहिए। हालांकि केरल हाई कोर्ट ने जो लोग विरोध में गए थे उस मुकदमे को आज खारिज कर दिया और कहा कि ये फिल्म प्रदर्शित होनी चाहिए, तो हम साधु संतों के साथ इसे देखने के लिए आए। निश्चित रूप से सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी पूरा तटस्थ के रूप में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है जब से योगी जी आए हैं इस पर बहुत रुकावट, नहीं तो जगह जगह चर्च के माध्यम से, कभी मस्जिदों के माध्यम से आपने देखा हजारों हजारों की संख्या में अंदर अंदर बैठ करके उनको ब्रह्म रोच करके और लवजात की शिकार बनाए जाते। और इसमें बॉलीवुड विशेष रूप से माध्यम बनती थी, जिसमें एक जो है लड़का होता है और वो मुसलमान होता है, एक लड़की हिंदू होती है, उस प्रकार से पूरा दिखाया जाता है, उसको महान बताया जाता है। तो लवजात की कहीं ना कहीं प्रक्रिया इन बॉलीवुड के माध्यम से भी होती थी, इसलिए आज सरकारें चेती हैं और सनातन धर्म अब खड़ा हो गया, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आए हैं जिस प्रकार से पिछली सरकारों के द्वारा सनातन धर्म के विपरीत पिक्चरें बना करके उनको बाकायदा दिखाया जाता रहा और सनातन धर्म का विरोध होता रहा, हर जगह जो है सनातन धर्म का, चाहे वो लव जिहाद को लेकर के, चाहे मठ मंदिरों को लेकर के, हर समय हमारे भगवान को नीचा दिखाने का, चाहे पंडितों को अपमान करते हुए देखा गया है। कभी कभी जो गुंडा बदमाश टाइप के होते तो वो चंदन लगा करके ही आते थे। जो पिछली सरकारों में पिक्चरें बनती थी और उनका लोग जो है हंसते थे और मजाक उड़ाते थे, लेकिन वर्तमान में ये सरकारें आई हैं, एक इन्होंने देखा है कि नहीं सत्य क्या है, सत्य पर उन्होंने निर्धारित होकर के जो पिक्चरें अब बन रही हैं, क्योंकि पहले जो है सत्य पर जो अगर कोई पिक्चर बनाना चाहता था तो उसको दबा दिया जाता था। उसको एक हिंदू होने के नाते, सनातन धर्म के अनुयायी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी जो मान्यताएं है, हमारे जो मठ मंदिर है, या तो हमारी जिन जिन चीज़ों पर आस्था है वो सुरक्षित हो और किसी भी हालत में उसके ऊपर कोई आक्रमण ना हो। और इस नाते यह हमारी कोशिश है कि हम इसे जितना हो सके साथ मिलकर इसकी सुरक्षा करने की कोशिश करें।